गवर्नमेंट ने साढ़े पास इकट्ठा करना है, गवर्नमेंट का आधा टेरिटरी पूरा होता साढ़े पास उन्हें की करना है। क्योंकि फाका कशी इनके कंट्रोल में नहीं है तो बीमारी क्या कंट्रोल करेंगे, बिल्कुल झूठ पे मुबनी है, पूरा प्रोग्राम इनका झूठा है। शाम को परेशान होते हैं, जब घर जाते हैं तो बच्चों को क्या जवाब दें, कहते हैं कि बेटा काम नहीं मिला, हम ऐसे धक्के खा के आ रहे हैं। कोई भी मालिक मकान किराया माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। मैं खुद किराए पे रहता हूँ, 8,000 देता हूँ, मेरे से वो पैसे वो कहते थोड़े थोड़े दो मुझे भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, GT6 न्यूज़ में खुश आमदीद, मैं हूँ आपकी मेज़बान आमनाद। नाज़रीन, लॉकडाउन के दौरान ऐसे लोग जिनके पास मुनासिब वसाइल मौजूद थे, उन लोगों ने तो अपना टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड किया, अपनी फैमिली को टाइम दिया और इस टाइम को यादगार बना लिया। लेकिन अगर हम तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो ऐसे लोग जिनके पास मुनासिब वसाइल मौजूद ना थे, उन लोगों ने अपना टाइम कैसे गुजारा, उनका चूल्हा कैसे चला और ये लॉकडाउन उनके लिए जहमत बन गया या फिर उन लोगों की ज़िंदगी की हिफाजत का बाइस बना है, इस पर बात करते हैं हम इन मज़दूरों से। काम तो था ही नहीं, 2-2.5 महीने में हमने कोई काम नहीं, ज़्यादा 2 महीने हुए ना, 2 महीने मैंने 4 दिन काम किया, मैं आपको सच बता रहा हूँ, 4 दिन काम किया, बड़ी मुश्किल से ईद के कपड़े हमने नहीं बनाए, ना किसी बच्चे ने ना हम, ऐसे ही हमने सोचा है कि ऐसे ही ईद गुजरेगी, क्योंकि ये जो वबा है ना इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादातर मज़दूर तबका, क्योंकि हमारे पास पैसे तो नहीं है, ना जमा है ना थे, जिसका घर अपना नहीं है, बच्चे हैं, किराए पे रहता है, आप बताएं वो कैसे गुजारा करेगा, वो ईद कैसे गुजारेगा, खाना कैसे, महंगाई है, अभी पेट्रोल सस्ता हुआ है मगर महंगाई पे फिर भी कंट्रोल नहीं है, यूटिलिटी स्टोर से चीज़ें लेते हैं थोड़ी सस्ती हैं मगर दुकानदार जो है ना उनका रेट वैसा कि वैसा ही है, जिनका अपना घर नहीं है किराए पे रहते हैं, किराएदार कोई भी मालिक मकान किराया माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। मैं खुद किराए पे रहता हूँ, 8,000 देता हूँ, मेरे से वो पैसे वो कहते थोड़े थोड़े दो मुझे भाई। लॉकडाउन के दौरान कैसे गुजारा किया? बहुत मुश्किल ही है, हमारा तो वो हमने मैसेज किया था ठीक है, हमारा नाम गलत हो गया, हमें तो पैसे भी नहीं मिले, ये जो उधर बोर्ड लगाया हुए है कि 12,000 रुपये वज़ीर आला दे रहे, कुछ भी नहीं, ये सब ड्रामा है, किसी के पास जाए तो वो जो नंबर है वो भी नहीं उठाते, ये सब झूठ है, फ्रॉड है, हमें तो अभी तक नहीं मिले, हम तो 5,000 रुपये किराया देते हैं। अच्छा ये बताएं कि ईद आ रही है, बच्चे आपके डिमांड करते होंगे कपड़ों की, कैसा फील करते हैं, क्या करेंगे? बस पहले तो 2 महीने पहले सही था काम, अगर हम 15 दिन भी काम करते थे ना हमारा गुजर हो जाता था, तो अब मुश्किल है। गवर्नमेंट से क्या कहेंगे कि क्या करना चाहिए उनको? गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ये निशानदेही करे कि आया गरीब आदमी कौन है, किराएदार कौन है, ये जो टाइगर फोर्स ने बनाई है उनका काम है मोहल्ले गली में जाएं, देखें कौन किराएदार है, जिनका हक है उनको हक दें। गवर्नमेंट ने साढ़े पास इकट्ठा करना है, गवर्नमेंट का टेरिटरी पूरा होता साढ़े पास उन्हें की करना है। 12,000 के रुपए भी नहीं मिले ना, सानू एक रुपया नहीं मिला, 12,000 रुपया किन्ने देना, सानू लिख के लै गए हमने बूठे लाल गए ने, वो बूठे ला तो पैसे मिलने ने, वो गवर्नमेंट ने आपके गले रख लेने, तो उन्हें गले आपके वेले हुए, फिर मरालखा कहते मेरा तो गला वेला हो पाया, तो गले भरता है पा मरालखा, तो गले उन्हें भरने मरालखा आपके गले तो भरे पैने, फिर वहां फिर देना उन्हें पहले आपके गला भरे का, उन्हें क्या एक मैंने वेखो भी नवा बंदा एक वेखो भी मैं गरीब एक नहीं रहा सारे मार दें, तो वाकई मारता है मैं गरीबा गरीब सारे मरते ने पै। लॉकडाउन रहा है इतनी देर, क्या कैसे गुजारा? भाई बड़ी मुश्किल ना गुजरे ने दिन जी, हूँ आ गए जी, अल्लाह पाक कोई मेहरबानी करे था। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे ने। वो ईद आ रही है, क्या तैयारी नजर आ रही है घर में, क्या हालात चल रहे हैं? अजय तो हालात तंग ने जी, बहुत मुश्किल ना लिया कमा के कोई, तो बाकी अल्लाह पाक की मेहरबानी है, जो वक्त गल हो जाएगा तो ठीक ही फिर। अच्छा लॉकडाउन खुले है थोड़ी देर वास्ते, कुछ होया है कुछ मजदूरी वगैरह लगी, कोई काम वगैरह नहीं? अजय को नहीं लगा, अजय भैया
ਅਜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਝ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਫਿਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਵਗੈਰਾ ਕਿਤੋਂ ਹੁਕਮ ਮੰਗ ਕੇ ਧਾਰੇ ਲੈ ਲ
सारे लोग ये देखो बेचारे भूखे, कभी भूख से तड़पते हैं, कभी वो खाना मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। तो हम किस तरफ जाएं या कहाँ जाएं? यहाँ हमें चाहिए कि हमें कोई पैसे दें या हमारी मदद की जाए, ये गवर्नमेंट को चाहिए। आपको कुछ भी नहीं मिला, मतलब 15,000 तक कुछ नहीं मिला? हाँ जी। ईद आ रही है तो आपको अभी जो लॉकडाउन, जिस भी लॉकडाउन खुला है उसमें आपको कोई काम मिला है या फिर आप? नहीं, अभी तक कोई काम नहीं ऐसा चला कि जो हमें मिले। दुकानें वो 2 दिन बंद होती हैं तो 2 दिन चलती हैं, तो जब ये चलेंगे तो हमारा काम चलेगा। ये दुकानें नहीं सही तरीके से खुलेंगी, आवाम नहीं चलेगी तो हमारा काम कैसे चलेगा? काम नहीं चलते हमारे। अच्छा, तो ये बताएं बच्चे कितने हैं? मेरे 5 बच्चे हैं जी। तो ईद आ रही है तो तैयारी की वजह से कुछ कहते नहीं है, जिद नहीं करते? तैयारी की वजह क्या करें, बच्चे तंग करते हैं, हम शाम को परेशान होते हैं जब घर जाते हैं, तो बच्चों को क्या जवाब दें? कहते हैं कि बेटा काम नहीं मिला, हम ऐसे ही धक्के खा के आ गए हैं, ये बात होती है। आंखों की नौबत तो नहीं आई किसी ने, हाथ हिलाना पड़ा। गवर्नमेंट को क्या कहना चाहिए? गवर्नमेंट को चाहिए कि इन लोगों को देखें, इनके हाल पे रहमत करें, कुछ रहम करें, ताकि ये लोग उनकी मदद से अपने घर को चला सकें। हम तो ये मैसेज देना चाहते हैं। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या काम? मेसन का, मिस्त्री का। ये बताएं कि लॉकडाउन 2 माह से रहा है, 2 माह हो गए लॉकडाउन को, 2 माह के बाद अब जुजवी लॉकडाउन खुल गया, क्या हालात रहे घर के, क्या आपको काम मिलता है? चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ है, और ये वज़ीर-ए-आज़म के जो लोगों को आसरा दे रहे हैं बिल्कुल झूठ पे मुबनी है, पूरा प्रोग्राम इनका झूठा है। किस मजदूर को 12,000 रुपये मिले वो बताएं। सब, और ये बताएं कितने बच्चे हैं? मेरे 7 बच्चे हैं और फाका कशी हो रही है। ये बताएं कि लॉकडाउन के दौरान काम मिलता रहा, अभी जिसमें लॉकडाउन खुला नहीं मिला, काम नहीं मिला, कारोबार तो बिल्कुल बंद है, लोग घरों में नहीं जाने देते क्योंकि मास्क पहन के हर बंदा चल रहा है, जब मास्क पहनेगा हर बंदा मिस्त्री मजदूर को अपने घर में नहीं लगाता। ये लॉकडाउन सही है या गलत, क्या मजदूर तबके पे? लॉकडाउन तो मजदूर के हक में तो बिल्कुल सरासर गलत है, और वजीर आजम के सारे झूठे प्रोग्राम थे कि हम इनकी मदद कर रहे हैं मजदूरों की। वजीर आला ने बोला कि मैं पैसे दे रहा हूँ, राशन भी इन्होंने दिया है तो पुलिस वालों ने उनको दिया, जो उनके अपने करिंदे हैं, कारे खास होते हैं, उनको राशन मिलता है। किसी मजदूर को दिया तो वो बताएं भी, सामने लाएं कि मजदूर को दिया है। लॉकडाउन की वजह से नजर आ रहा है कि वाकई बीमारी कंट्रोल में आ रही है या नहीं? कंट्रोल में तो इनके कुछ भी नहीं आ रहा, मजदूरों की फाका कशी इनके कंट्रोल में नहीं है तो बीमारी क्या कंट्रोल करेंगे? ए इमरान खान, सुन लो सुन लो सुन लो, मैं ये कर रहा, मैं वो कर रहा, मैं इन देशा में इन करसा में नया पाकिस्तान बना सा, कितना नया पाक छोड़, पुराना भी गजब हो गया, वो भी घर को हो गया, कशा ही नहीं रह गया, सीता गरीब जड़े ने लुटे मारे पे आए, एक डांग दिखा दी थे एक डांग दी, अन्य सुता घर किराए थे, कोई शाय भी नहीं बेटा, कोई चीज़ नहीं मिलती। अगर कोई बंदा है तो साबित मुझे करके दे, मेरे को 12,000 रुपये मिले। राशन भी आपको कोई इकदाम नजर नहीं है? कोई कुछ नहीं मिला, ये अल्लाह भला करे लोगों का, जो माना अवामी लोग हैं वो एक दूसरे के गरीबों की इमदाद करें, अल्लाह भला करे उन लोगों को, बगैर गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉपर्टी नजर नहीं आ रही हमें। गवर्नमेंट को सिर्फ ये माध्यम है, हाय मैं लुट गया, हाय मैं तबाह हो गया, मुझे इमदाद दे दो, वो अपनी इमदाद लेके बैठा हुआ, गरीब के बारे में कुछ नहीं। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं, हमारे साथ रहिएगा हमेशा। हम लोग गरीबों के हालात हमने जाने, ये जाना कि उनका चूल्हा कैसे चला, उन लोगों के हालात कैसे रहे इस लॉकडाउन के दौरान, और इस ये लॉकडाउन उनकी ज़िंदगी को बचा रहा था या फिर ये उनके लिए जहमत बन गया था। अभी तक के लिए अपनी मेज़बान आमना आदिल को दें इजाज़त, और देखते रहें ZT6 न्यूज़। खुदा हाफ़िज़।